अभी हमने ये सीखा कि किसी कंडक्टर के आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो राइट हैंड पाम रूल को यूज करके बहुत ही आसानी से डायरेक्शन को पता किया जा सकता है। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का शेप कैसा होता है, शेप को जानने की कोशिश करेंगे और इसी राइट हैंड पाम रूल को यूज करते हुए शेप जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहां पर मैंने एक कंडक्टर दिखाया है, स्ट्रेट कंडक्टर है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये ऊपर जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर है ना। इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है आई, ठीक। तो इसके कारण से अगर मुझे इसके राइट साइड में कहीं भी फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे। जैसे ये मेरा राइट हैंड पाम है तो थंब को करंट के पैरेलल रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में थंब जो है पॉइंट कर रहा है उधर, और मेरी जो हथेली है जो पाम है इसको कंडक्टर के उस साइड में रखते हैं जिधर फील्ड का डायरेक्शन निकालना है ना। तो इधर रखने से मेरे पाम का जो फेस है, ये वाला फेस है ना, वो अंदर की तरफ जा रहा है। पाम का फेस अंदर की तरफ जाने का मतलब कि यहां से इधर कहीं भी फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो एक मैंने एक सर्किल ड्रा किया हुआ है इसके अराउंड, सर्किल का ये जो पॉइंट है जो इसी बोर्ड के प्लेन में है ना, तो इस प्लेन में यहां पर मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसी तरह से इस कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, ये थंब को रखूंगा कंडक्टर के पैरेलल, बिल्कुल करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट करना चाहिए, और मेरी जो हथेली है जो पाम है उसको कंडक्टर के लेफ्ट साइड में रखूंगा। जब लेफ्ट साइड में रखूंगा तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा पाम का जो फेस है वो बाहर की तरफ आ रहा है ना। यानी कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड में इधर किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस सर्किल पर एक पॉइंट ये है, यहां पर मैं कह सकता हूं कि आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट, ये कंडक्टर और ये वाला पॉइंट, ये तीनों जो है ये एक बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये सर्किल हॉरिजॉन्टल है। ये मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है यहां से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट था और फिर यहां से r डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट भी है। वैसे ही यहां से r डिस्टेंस पर अगर बाहर देखें, यहां से r डिस्टेंस पर इधर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए मैं एक छोटा सा यहां पर कंडक्टर जैसा एक रॉड है इसको मैं यूज करता हूं। जैसे देखेंगे कि ये कंडक्टर मान लेते हैं बिल्कुल स्ट्रेट जो है यूनिफॉर्म कंडक्टर मान लेते हैं, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो अगर मुझे यहां पर फील्ड निकालना है तो मैंने राइट हैंड पाम रूल यूज किया तो इधर की तरफ अंदर की तरफ जा रहा है फील्ड, है ना, यहां पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और यहां से आर डिस्टेंस पीछे अगर यहां पर मुझे निकालना हो तो मैं राइट हैंड पाम रूल यूज करता हूं, थंब को करंट की तरफ तो पाम का फेस बाहर आ रहा था, यहां पर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से r डिस्टेंस पर सामने यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो फिर से राइट हैंड पाम रूल को यूज करूंगा। मैं थंब को करंट के पैरेलल ऊपर की तरफ रखता हूं तो मेरा पाम का जो फेस है ना, पाम का फेस है इस प्लेन में, ऐसे रखूंगा तो पाम का फेस जा रहा है इधर की तरफ, यानी यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, ठीक। तो एक बार तीनों पॉइंट को देखते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया इधर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया इधर, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आया इधर, ठीक है। उसी तरह से इसके पीछे जाएंगे आर डिस्टेंस पर तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, है ना। मतलब थंब को मैं रखूंगा करंट के पैरेलल यहां पर और पाम का फेस उधर रखूंगा जिधर फील्ड निकालना है, इधर रखूंगा तो पाम का फेस मेरी तरफ आ रहा है इधर, यानी यहां पर फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। तो हर पॉइंट पर देख सकते हैं कि जो मैं आर डिस्टेंस ले रहा हूं उस आर डिस्टेंस या पोजिशन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यहां पर आर ऐसे है तो फील्ड उसके परपेंडिकुलर, यहां पर आर ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर फील्ड इधर आ गया, यहां पर आर ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर फील्ड अंदर आ गया, यहां पर आर इधर है पीछे तो फील्ड का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर आ गया। यानी आर रेडियस का अगर मैं एक सर्किल ड्रा करता हूं तो उस सर्किल के रेडियस के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन हर पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन आएगा, है ना। मतलब ऐसे समझे कि ये कंडक्टर जो है वो ये वाला कंडक्टर है,
तो ये जो मैंने सर्किल ड्रॉ किया है, इस सर्किल पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मतलब यहां पर टेंजेंट अंदर की तरफ कहीं जा रहा हो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है, तो यहां वाला जो पॉइंट मैं बता रहा था वो एक्चुअल में यहां दिखाया मैंने, है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यहां पर अंदर आ रहा है, यहां पर बाहर आ रहा है, और जस्ट पीछे देखेंगे तो इधर की तरफ आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरह से ये डिस्टेंस भी आर है, ये डिस्टेंस भी आर है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर पड़ेगा और आर के परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए। तो आर के परपेंडिकुलर का मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ठीक। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन जनरल इस सर्किल पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस तरफ ऐसे, तो ये टेंजेंट जो है या जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूं, ये एरो क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं वो एक्चुअल में सर्कुलर शेप की होती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पर टेंजेंट ड्रॉ करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर ऐसे आ रहा है ना, सर्किल के अराउंड, इसीलिए कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी सर्कुलर शेप की होंगी, जिसका सेंटर जो है वो इस कंडक्टर पर होगा। यहां पर बहुत सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक होंगे, है ना, यहां पर कॉन्सेंट्रिक हो गए। अगर यहां पर भी मैं सर्किल बना सकता हूं ऐसे ही, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है सर इस कंडक्टर के पीछे से ऐसे। तो अगर मुझे इस कंडक्टर के आसपास किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक सर्किल ड्रा करूंगा, है ना, और सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। लेकिन टेंजेंट जो है वो दो तरफ हो सकता है, कोई कह सकता है कि ऐसे घुमाएंगे और कोई कह सकता है कि ऐसे भी घुमाया जा सकता है। तो सही डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल को यूज कर सकते हैं, और राइट हैंड पाम रूल जैसा ही एक और रूल होता है जिसको एनसीईआरटी में बताया गया है, उसको कहा जाता है राइट हैंड रूल, है ना। ये कुछ एक्चुअली में नया रूल नहीं है, राइट हैंड पाम रूल जैसा ही ये रूल है। राइट हैंड पाम रूल से क्या करेंगे कि जैसे ये जो थंब है इसको हम लोग कंडक्टर के पैरेलल रखेंगे, है ना, कंडक्टर के पैरेलल, और थंब पॉइंट करना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो हथेली को किधर भी रखेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं कि हथेली का इसका जो पाम का जो फेस है वो जा रहा है इधर, इधर का मतलब ऐसे घुमाकर चेक कर सकते हैं, ये हम लोगों को ऐसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन बता सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये भी कुछ वैसा ही कहता है कि जो थंब है थंब को कंडक्टर के पैरेलल रखेंगे, है ना, और ये जो पाम है इसको कर्ल करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में कर्ल करना पड़ता है, थंब को इधर रखेंगे कंडक्टर के पैरेलल, करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेगा थंब, तो कर्ल हम लोग उल्टा ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसे ही कर सकते हैं। तो पाम को ऐसे कर्ल करने से जो है कर्ल करने का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। यहां पर हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। अगर बाय चांस ऐसा होता कि जो करंट है वो नीचे की तरफ होता, है ना, तो यहां पर अगर हमें सर्किल बनाना हो, सर्किल का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अब यहां पर हमें टेंजेंट का डायरेक्शन पता करना है कि ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, तो क्या करेंगे, राइट हैंड रूल यूज कर लेते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है, थंब को रखेंगे नीचे करंट के डायरेक्शन में, करंट नीचे जा रहा है ना, इसको ऐसे रखेंगे, अब अपने पाम को कर्ल करेंगे, कर्ल ऐसे कर सकते हैं इधर से, उल्टा तो कर्ल हो नहीं सकता हाथ, है ना, तो ऐसे कर्ल करने से मतलब कि ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है हमें, ऐसे कुछ ऐसे, तो टेंजेंट ऐसे आ जाएगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सर्किल के अराउंड, और यहां पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सर्किल के अराउंड। तो इस तरह से हम लोग
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कंडक्टर के अराउंड कहीं भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि मुझे यहां पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, एक कंडक्टर है, कंडक्टर से इस पॉइंट को मिलाएंगे। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर है, तो आर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे, सर्किल बन गया। अब इस सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, बस टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो टेंजेंट ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो इसमें करंट तो नीचे जा रहा है ना, तो करंट नीचे जाएगा ऐसे, तो हाथ को कर्ल करेंगे ऐसे, है ना, ऐसे कर्ल करने से पता चलेगा कि टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, इस तरह से। तो यहां पर ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, टेंजेंट पर टेंजेंट जो है बाहर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि ये सर्किल हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो इस पॉइंट पर बाहर की तरफ जो है एरो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। यहां पर उल्टा अंदर की तरफ चले जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे देख सकते हैं। थंब को मैंने रखा है नीचे की तरफ, हथेली को कर्ल करेंगे ऐसे, तो ये यहां पर अंदर जा रहा होगा ऐसे घूम करके। तो इस तरह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पता कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन को पता करने के लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसमें देखेंगे कि दो कंडक्टर है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, यहां पर पॉइंट पी है, ठीक है, ड्यू टू टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। जैसे देखेंगे यहां पर मैंने एक यहां पर ये सर्किल दिखाया, एक्चुअली में एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है ना। ये कंडक्टर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। जैसे ये चौक हो गया, तो चौक का लेंथ ऐसे है, तो अगर आप इधर से सामने से देखेंगे तो ये सर्किल जैसा दिखेगा इसका क्रॉस सेक्शन, तो वैसे ही जो कंडक्टर है इसका लेंथ जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ जा रहा है लेंथ, हमें केवल क्रॉस सेक्शन दिख रहा है उस कंडक्टर का जो कि सर्कुलर शेप का है। वैसे ही यहां भी बिल्कुल इसके पैरेलल कंडक्टर है, उसका भी लेंथ बोर्ड के अंदर जा रहा है। यहां पर करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है ना, और यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो दो स्ट्रेट कंडक्टर हो गए और ये पैरेलल भी हो गए, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये ध्यान रखना है। फिर आगे कहा गया बोथ कंडक्टर्स कैरी इक्वल करंट्स आई, तो इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन बस डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसमें बाहर करंट आ रहा है, इसमें अंदर करंट आ रहा है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया गया है 2a, ये वाला डिस्टेंस a है और ये भी a है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो यहां से ये भी a डिस्टेंस पर पॉइंट p पड़ रहा है। इस पॉइंट p पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूं, इनको ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, ठीक है। अब यहां से चूंकि हमें यहां पर पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना होगा, तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे कि अब ये जो डिस्टेंस है ये मान लिया r है, जिसकी वैल्यू आएगी रूट टू ए, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये डिस्टेंस भी a है, ये भी डिस्टेंस a है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, है ना, तो ये रूट टू ए हो गया डिस्टेंस। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो ये जो कंडक्टर है इसके अराउंड मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है सर्कुलर शेप की होती है, तो यहां पर हम लोग ऐसे इसके अराउंड सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल के सेंटर पर यह होना चाहिए, जैसे मैंने यहां बताया कि सर्किल के सेंटर पर कंडक्टर होता है, तो इस सर्किल के सेंटर पर यह कंडक्टर है। ध्यान रखना है कि जो सर्किल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर कंडक्टर होता है। यहां भी देखेंगे कि सर्किल है बोर्ड के प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर कंडक्टर है बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक। अब यहां पर हमें डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या करेंगे, राइट हैंड रूल जो यहां बताया मैंने उसको यूज कर सकते हैं, या राइट हैंड पाम रूल आप यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जैसे देखेंगे यहां पर करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो थंब को मैं बाहर की तरफ रखूंगा कंडक्टर के पैरेलल, इसका जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे हथेली मेरी इधर जा रही है, मैं इसको कर्ल करता हूं ऐसे, इसको ऐसे कर्ल कर सकता हूं, है ना, तो ऐसे कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, है ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ये जो आर है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड,
यहां पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है बी, हमें पता है कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण से जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, है ना, तो आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने कैलकुलेट किया था, ये आता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। तो ये जो बी आया है उसकी वैल्यू होनी चाहिए म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर की जो वैल्यू है वो आ गया है, आप देखेंगे रूट टू ए, तो यहां पर मैं लिख दूंगा रूट टू ए। ठीक, तो ये है इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। अब आते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसके कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, तो मैं क्या करूंगा फिर इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, है ना, यहां से ज्वाइन कर दूंगा। तो यहां से जो डिस्टेंस है ये आर, ये भी एक्चुअली में रूट टू ए आ जाएगा, है ना। तो अब ये आर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे जिसके सेंटर पर ये वाला कंडक्टर होगा ऐसे। ये जो सर्किल है एक्चुअली में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का शेप बता रहा है ना। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के सर्किल के टेंजेंट के लॉन्ग होना चाहिए, तो टेंजेंट ऐसे आएगा या ऐसे आएगा ये हमें चेक करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा या राइट हैंड पाम रूल यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो कंडक्टर के पैरेलल मैं थंब को रखूंगा अंदर की तरफ ऐसे, और अपनी हथेली को कर्ल करता हूं ऐसे घुमाता हूं, है ना ऐसे। तो ये देखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब हो गया यहां से इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर इधर आएगा, यहां पर इधर आएगा, है ना। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यहां भी आ गया ये बी। ठीक, अब मैंने कहा कि ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, है ना, ये भी 45 होगा, सारे एंगल 45 बनेंगे। ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, है ना, तो अब देखेंगे कि ये जो आर था इस आर के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक्चुअली मैं मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में सर्किल के, और ये रेडियस है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो अगर ये 45 है ये 90 है तो ये भी 45 होना चाहिए, है ना, ये सीधा स्ट्रेट लाइन है। तो एक साइड में टोटल एंगल 180 हुआ, ये 45 है ये 90 है तो ये 45 हो गया। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी कह सकते हैं कि ये सर्किल का रेडियस है और टेंजेंट के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आया है ये वाला, तो ये एंगल भी 19 हुआ। अगर ये 45 है तो फिर ये भी 45 आएगा, है ना। अब देखेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, एक तो इधर आ रहा है किधर आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो इस बी का एक कॉम्पोनेंट आएगा इधर बी साइन 45 और ऊपर आएगा बी कॉस 45। उसी तरह से इस बी का भी कॉम्पोनेंट निकालेंगे इधर बी साइन 45 और ऊपर आएगा बी कॉस 45। ठीक है, तो देखेंगे इसका बी साइन 45 और इसका बी साइन 45 कैंसिल हो जाएंगे और दोनों के बी कॉस 45 ऐड हो जाएंगे, है ना। तो यानी दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो पॉइंट पी पर तो बी कॉस 45 को दो बार ऐड कर देंगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये आया 2, बी की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, ये आया है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट 2 ए। ध्यान रखना है कि इसमें भी करंट उतना ही है डिस्टेंस उतना ही है, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड भी इस बी के इक्वल ही आएगा, दोनों बी बराबर है, है ना। तो ये हो गया 2 फिर बी और कॉस 45 होता है 1 बाई रूट 2, है ना। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, है ना, ये रूट 2 और ये रूट 2 हो गया 2 पाई ए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इतना आया और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में आया है। स्ट्रेट कंडक्टर के बाद अब हम लोग किसी सर्कुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे यहां पर एक सर्कुलर लूप हमने बनाया है, इस सर्कुलर लूप में मान लेते हैं कि आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक,
और इस लूप का जो एक्सिस है वो कुछ इस टाइप का है, ये हो गया इसका एक्सिस, इधर से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऐसा मान लेते हैं कि इस सर्कुलर लूप का जो रेडियस है ये है आर, ठीक है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सर्कुलर लूप है एक्चुअली में इसका प्लेन बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये जस्ट ऐसा सर्किल समझ सकते हैं जिसका प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखेंगे तो करंट जो है बिल्कुल बाहर की तरफ बोर्ड से परपेंडिकुलर ऐसे करंट आ रहा होगा, तो यहां पर जो करंट है वो आ रहा होगा बाहर की तरफ, और ऐसे घूमते हुए नीचे देखेंगे तो जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, यहां पर करंट एक्चुअली में अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। ये करंट ऐसे आ रहा है और यहां पर अंदर जा रहा है इस तरह से, तो इसके कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, है ना, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, ये डीएल लेंथ का यहां पर एलिमेंट है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं, ये रेडियस हो गया आर, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है, रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक। अब देखेंगे कि ये पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहां लिया, ऐसे खूब सारे एलिमेंट होंगे इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पर, है ना, तो हर पॉइंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इस छोटे से एलिमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सर्कमफेरेंस के अलावा, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके कारण से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, है ना, तो पहले ही देखेंगे कि चूंकि यहां पर जो कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो अभी जो मैंने कहा कि यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसी कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर शेप की होती हैं, तो मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं जिसका सेंटर यहां पर होगा, है ना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहां पर ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर, इसको छोटा सा एक कंडक्टर मान सकते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर मान सकते हैं, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्सेज होगी सर्कुलर शेप की होंगी, तो मैं यहां पर एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, ऐसे ऐसा माना जा सकता है कि इस तरह का कुछ सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज है जिसका सेंटर यहां पर है ना। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो थंब है थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करते हैं थंब को, और पाम को कर्ल करते हैं ऐसे। ऐसे कर्ल होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, बी क्या इसको हम लोग कहेंगे डीबी, डीबी इसलिए क्योंकि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से है, पूरा जो आएगा उसको हम लोग बी कहेंगे इंटीग्रेट करके, है ना। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आ गया डीबी, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, है ना, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा 90 माइनस थीटा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंगल 90 आएगा, 90 क्यों, क्योंकि जो सर्किल हमने बनाया है सर्किल का सेंटर यहां पर है, ये रेडियस है और रेडियस ये है तो इसके परपेंडिकुलर यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। अब जैसा हमने यहां पर एलिमेंट लिया वैसा ही अगर यहां भी एलिमेंट ले लें तो यहां से क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी आर उतना ही आएगा जितना ये आया था, ठीक है। अब इसकी वजह से यहां पर डायरेक्शन पता करना हो तो यहां भी हम लोग ऐसे सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ऐसे सर्किल ड्रॉ करेंगे तो इसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा या ऊपर आएगा ये पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से राइट हैंड रूल, जो थंब है थंब को करंट, करंट यहां पर अंदर है
तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और पाम को ऐसे कर्ल करें, तो कर्ल करने से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। क्योंकि जैसा छोटा सा एलिमेंट ये था वैसा ही छोटा एलिमेंट ये भी है, तो इसकी वजह से भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आएगा जितना इसकी वजह से आया था, क्योंकि डिस्टेंस भी दोनों बराबर है। ठीक, तो ये एंगल थीटा सिमेट्री से ये भी थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। अगर इन दोनों का कॉम्पोनेंट निकाला जाए तो इन दोनों का कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा डी बी कॉस थीटा, इसका भी आएगा इधर डी बी कॉस थीटा, इन दोनों का इधर आएगा डी बी साइन थीटा, है ना, डी बी साइन थीटा इसका भी, डी बी साइन थीटा इसका भी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इधर वाले जो कॉम्पोनेंट होंगे वो एड होते रहेंगे और इधर वाले कॉम्पोनेंट जो है वो कैंसिल होते रहेंगे, है ना। वैसे अगर मैं एक यहां पर, जैसे ये सर्किल है तो एक यहां पर पॉइंट लूंगा तो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पीछे एक एलिमेंट होगा जो जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है उसको कैंसिल करेगा। जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, वैसे ही इस सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, जैसे ये इसके कारण से और इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एक्सिस पर, है ना, वो अपोजिट आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट, जबकि इधर वाला कॉम्पोनेंट दोनों का एड हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि चूंकि एक्सिस के पैरेलल वाला ऐड हो रहा है, परपेंडिकुलर वाला कैंसिल हो रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला सब कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा, इधर वाला ऐड होगा। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक्सिस के पैरेलल वाला जोड़ूंगा, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन का काम ही है जोड़ना। तो डीबी साइन थीटा को ऐड कर देंगे, ऐसे इस पर हजारों एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की वजह से इधर वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड होता जाएगा, है ना, और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाया करेगा। इसके कारण से इसने कैंसिल कर दिया परपेंडिकुलर वाला, तो इसके कारण से इसने परपेंडिकुलर वाला कैंसिल कर दिया होगा। वैसे ही अगर यहां पर कोई लेंगे तो इसका और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाया करेगा। तो परपेंडिकुलर कैंसिल होता जा रहा है लेकिन पैरेलल वाला सब ऐड हो रहे हैं, इसलिए नेट जो आएगा वो एक्सिस के पैरेलल आएगा, है ना। तो इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो हम लोग डीबी की वैल्यू निकाल लें। डीबी आएगा इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, है ना, जो बायट सेवर्ट ला हमने पढ़ा उसकी वजह से आता है म्यू नॉट बाई फोर पाई आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये आता है। यहां पर जो थीटा है, थीटा होता है डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहां डीएल वेक्टर जो होता है करंट के डायरेक्शन में लेते हैं ना, तो डीएल वेक्टर देखेंगे इधर है बोर्ड के परपेंडिकुलर, और ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो है बोर्ड के प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, है ना। ये डीएल वेक्टर बोर्ड के परपेंडिकुलर और ये आर बोर्ड के प्लेन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये जो थीटा है एक्चुअली में ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है 90 डिग्री है, है ना। तो डीबी की वैल्यू कितनी आई, डीबी की वैल्यू मैं यहां पर लिखूंगा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री 1 हो गया है डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, ये आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा हमने ये ले रखा है जिसमें से ये बेस है एक्स, हाइट है आर और ये हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा की वैल्यू आएगा आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, है ना। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है जैसे कि म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई फोर पाई, इनको हम लोग बाहर कर देते हैं, है ना, डीएल डिवाइडेड बाई, इनफैक्ट ये जो आर क्यूब है ये भी कांस्टेंट ही है। आर क्यूब कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इस सर्कमफेरेंस पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर ही आएंगे, इसलिए ये जो आर है वो फिक्स्ड है। वेरी क्या करेगा, ये डीएल, तो डीएल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक। डीएल हमने लिया है सर्कमफेरेंस के अलोंग छोटा सा एलिमेंट, तो डीएल एक यहां लेंगे, फिर डीएल छोटा सा एक यहां लेंगे, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं, ये डीएल वन, ये डीएल टू, डीएल थ्री, डीएल फोर, सारे डीएल को अगर ऐड करेंगे तो टू पाई आर आएगा, है ना। तो डीएल को मैं इंटीग्रेट करूंगा जीरो से टू पाई
आर तक, मतलब जो सर्किल का सर्कमफेरेंस है वहां तक, ठीक। तो ये आएगा म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई, जो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट था, है ना, और यहां पर पावर 3 है, तो पावर 3 भी लगाना है, रूट भी लगाना है, तो ये हो जाएगा पावर 3 बाई 2, ठीक है। और इस डीएल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई आर तक, तो इंटीग्रेशन आएगा एल, और एल की वैल्यू 2 पाई आर रखेंगे लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। तो फाइनली आप देखेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है उसमें से ये देखेंगे यहां से पाई और यहां से पाई कैंसिल, ये 2 और ये 4 कैंसिल, है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2, और ये किधर आएगा एलोंग एक्सिस ऑफ रिंग और लूप, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि ये जो रिंग है इसके एन टर्न्स हैं, तो हर टर्न के कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आएगा, तो सीधे हम लोग जो है जैसे स्केलर क्वांटिटी को ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे। इफ देयर आर एन टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट, यहां पर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सारा क्वांटिटी यहां पर आ जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई या म्यू नॉट इंटू या एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय 2, ये आया है एलोंग एक्सिस ऑफ द लूप, है ना। तो एक्सिस पर पूछा गया, बाय चांस कोई ऐसा भी हो सकता है केस जिसमें कोई कह रहा है कि सेंटर पर बताओ, तो सेंटर पर बताना हो तो क्या करेंगे, एक्स को 0 कर देंगे, है ना। तो एट सेंटर ऑफ लूप, है ना, ये हमें निकाला है एट एक्सिस, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, सेंटर पर निकालना हो तो एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन, देखेंगे एक्स 0 करने से आएगा आर पावर 3, है ना, पावर 2 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आर पावर 3, आर स्क्वायर ऊपर है आर क्यूब नीचे है, आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो नीचे आर बच जाएगा, है ना। तो ये आएगा म्यू नॉट एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 आर, है ना, ये आ गया कहां पर, जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, और जैसा कि हमने छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था बाय सेवर्ट लॉ से, तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे। ये दोनों ही एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिखा है, ये दोनों ही एग्जांपल एनसीईआरटी में सोलह एग्जांपल के फॉर्म में दिए गए हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें एक छोटा सा कंडक्टर दिया गया है जिसका लेंथ डीएक्स है वो है 1 सेंटीमीटर लेंथ का, है ना, और इस छोटे से कंडक्टर के कारण से y एक्सिस पर एक पॉइंट है P जो कि कंडक्टर से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें करंट जो है वो x डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रहा है, इधर है ना, करंट की वैल्यू दी गई है 10 एम्पीयर, है ना। यहां पर क्या बताया गया, इफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कैरीज करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पीयर देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बायर सेवर्ट लॉ से जो हमने जो फॉर्मूला सीखा था उसी फॉर्मूले को यहां पर फाइंड करेंगे, है ना, लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू
डीएल साइन 90 डिग्री यहां पर आएगा, है ना। ये होता है जो एंगल लेते हैं हम लोग साइन थीटा, जैसे यहां बताया था ये थीटा होता है डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो डीएल एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये आर है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू एक्चुअली 0.5 है यहां पर, तो ये वैल्यू रख देते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10^-7 SI यूनिट में। आई का जो वैल्यू दिया गया है वो है 10, डेल्टा एक्स है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख दूंगा 10^-2, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। और आर जो डिस्टेंस है ये दिया गया 0.5, है ना, तो 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, और 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे आएगा 4×10^-8 टेस्ला। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। अब आते हैं अगले एग्जांपल पर। ये तो था कि स्ट्रेट छोटे से कंडक्टर के कारण से हमें निकालना था मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर किसी सर्कुलर लूप के कारण से निकालना है। कंसीडर टाइटली वाउंड 100 टर्न क्वाइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना, मतलब वैसा ही क्वाइल है जिसमें कई सारे टर्न्स होंगे, है ना, इस तरह से ऐसे टर्न्स है, और इनके एक्सिस पर कहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें 100 टर्न्स है, ठीक है, इनका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, करंट 1 एम्पियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर पता करना है। तो सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने अभी यहां पर फाइंड किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2R, है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π×10^-7, ये हो गया म्यू नॉट का वैल्यू। एन दिया गया है 100 टर्न्स, है ना, करंट दिया गया है 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिखूंगा 10×10^-2, है ना। तो देखेंगे यहां से इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 आ जाएगा, तो यहां पर जैसे ये 10 है और यहां से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 2π×, देखेंगे इसमें से 10^-2 और 10^-7 में कैंसिल होगा, तो यहां पर 10^-5 आएगा, है ना, और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10^-4 हो जाएगा, 10^-4, है ना, ये आ गया टेस्ला में, ठीक है। तो ये आ गया इनके सेंटर पर। अब एनसीईआरटी से ही अगला एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल जो है एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे कि 2 कंडक्टर हमने दिखाया है, एक कंडक्टर है जिसमें कुछ स्ट्रेट पोर्शन है और एक जो है सेमी सर्कुलर पार्ट है जो कि ऊपर की तरफ से है, है ना। इसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, है ना। और एक दूसरा कंडक्टर है, इसमें भी 2 स्ट्रेट पार्ट है और एक सेमी सर्किल है, यहां पर सेमी सर्कुलर कंडक्टर है, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, इसमें भी 12 एम्पियर का ही करंट जा रहा है। तो हमें बताना क्या है, पहले बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट, मतलब इस केस में भी और इस केस में भी जो सेंटर है यहां पर ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहां भी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉर्ड पार्ट्स, जैसे ये कॉर्ड पार्ट है इसके कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट पार्ट के कारण से निकालूं तो जो बायट सेवर्ट लॉ कहता है, बायट सेवर्ट लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये होता है म्यू नॉट बाई 4π आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। तो यहां पर हमें इसको देखना है डीएल क्रॉस आर का, अगर डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा अगर 0 हो जाए या 180 हो जाए, है ना, यहां पर क्या आता है, ये आता है म्यू नॉट बाई 4π आई
dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो थीटा है अगर ये 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दोनों ही केस में साइन थीटा हो जाता है 0, और जब साइन थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इस कंडक्टर के लाइन में ही, मतलब इसका dl वेक्टर कैसे होगा, इधर ही, और r वेक्टर यहां से इधर ही, ये r माना जाएगा। तो dl और r दोनों बिल्कुल पैरेलल हो गए, है ना, दोनों पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 0। अब यहां पर देखेंगे तो जैसे ये कंडक्टर है तो इधर r माना जाएगा और इधर dl माना जाएगा, dl का डायरेक्शन होता है करंट की तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर 180 माना जाएगा। तो थीटा का वैल्यू अगर 180 भी आता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना। वैसे ही यहां भी कर सकते हैं, इसमें भी अगर यहां पर निकालना है इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण से, तो dl वेक्टर तो किधर है, करंट की तरफ, और r वेक्टर किधर आएगा, इधर ही आएगा, तो dl और r दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां पर 0। इस केस में देखेंगे तो dl वेक्टर आएगा इधर करंट की तरफ और r वेक्टर आएगा इधर, है ना, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया यहां पर 180 डिग्री। तो इस केस में भी साइन 180 0 होता है और इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां भी 0 हो गए। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एवरी स्ट्रेट सेगमेंट विल बी 0। ठीक है, एक तो हो गया जो पहला पार्ट था ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट में इसी सेंटर पर ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी वजह से पूछा गया है। ठीक, तो हम देख सकते हैं इसमें कि छोटा सा एलिमेंट अगर मैं लेता हूं ये dl, तो इसके कारण से यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं, तो थम को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में और पाम को रखेंगे उधर जिधर फील्ड निकालना है, तो पाम का फेस अंदर जा रहा है तो अंदर की तरफ आ गया। वैसे ही एक दूसरा एलिमेंट लेंगे यहां पर, ये जैसे dl1 हो गया dl2 हो गया, इसमें भी करंट इधर ही जा रहा है तो इसका डायरेक्शन भी इधर है, तो थम ऐसे रखेंगे इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, यानी इस पर मैं जितने भी एलिमेंट लूंगा हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, यानी हर एलिमेंट के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको मैं ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड करते जाता हूं, तो अगर ये सर्किल कंप्लीट होता, ठीक होता, अगर सर्किल कंप्लीट होता तो जितने भी एलिमेंट इस पूरे सर्कमफेरेंस पर बनते सबके कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके यहां पर निकालेंगे। ठीक, अगर ऐड करेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये आधे पोर्शन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इस आधे पोर्शन के कारण से मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड ही होगा, है ना, अगर ये सर्किल कंप्लीट सर्किल होता ऐसे। ठीक है, तो इसके कारण से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर, एन का वैल्यू यहां पर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट सर्किल के कारण से इतना होता है। अब इसमें क्या है, ये आधा पोर्शन ही है, ये आधा पोर्शन तो है नहीं, क्योंकि सबके कारण से ऐड करने से इतना आया है, तो मैं आधे पोर्शन के कारण से निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आधा ही आएगा, है ना, तो इसलिए कह सकते हैं इस सेमी सर्किल के कारण से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो इसका आधा आएगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क जो है उसकी वैल्यू निकालेंगे, आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R। देखेंगे n तो 1 है, तो कंप्लीट सर्किल कारण से म्यू नॉट आई बाई 2R आ रहा था, तो आधे सर्किल कारण से उसका आधा यानी म्यू नॉट आई बाई 4R हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधे सर्किल के कारण से जो है हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10^-7, जो आई है, आई करंट की वैल्यू यहां पर 12 एम्पियर दिया गया है, डिवाइडेड बाई 4, और रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यानी 2×10^-2, है ना, तो यहां से 4 और यहां से 4 कैंसिल हो गया, इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया 6,
तो 6 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड आया है यहां पर इस सेमी सर्कुलर पोर्शन की वजह से, ठीक है। अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसकी वजह से, तो ये आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सबके कर हर लिमिट कहां से इनवर्ड आ रहा है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर इस छोटे से एलिमेंट की बात करें यहां से यहां तक, तो इसके कारण से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। थंब को रखेंगे करंट के पैरेलल और पाम को उधर रखना है जिधर फील्ड निकालना है, तो पाम का फेस बाहर आ रहा है तो फील्ड बाहर आएगा। तो इस सेमी सर्कुलर पूरे पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर उतना ही आएगा जितना इस सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आएगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट में है। यहां पर इसकी वजह से इनवर्ड आया था और यहां पर इसकी वजह से आउटवर्ड आएगा। तो कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू टू सेमी सर्किल और सेमी सर्कुलर आर्क्स आर इक्वल, है ना, यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, ठीक है। इसके यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गए जबकि मैग्नीट्यूड दोनों जगह पर इक्वल आएगा और वो आएगा 6 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5।